हेलो दोस्तों, रॉय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक रॉय एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रॉय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आने वाले जितने भी वीडियो हैं इनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। इस वीडियो में दोस्तों मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया गया जो बच्चे या तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी मैथ्स की ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक काफी हेल्पफुल होने जा रहा है। इसमें ये सारे क्वेश्चन लेकर आया गया जो प्रीवियस ईयर में कई सालों से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार से देखा जाएगा। जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं या RRB की तैयारी कर SSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या BEd एंट्रेंस या BLED एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए खास कर ये वीडियो इतना हेल्पफुल होने जा रहा है जो काफी टाइम्स इन एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो सबसे पहले लास्ट से सॉल्व शुरू कर दीजिए। तो 49 का रूट कितना आएगा? 7 यहाँ ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36 का रूट करेंगे तो 6 ऐड कर लीजिए, इसमें कितना आ रहा है? 25 का रूट कितना आ रहा है? 5 आएगा, 5 ऐड कर लीजिए। यहाँ कितना आएगा? 16 का रूट कितना आ रहा है? 4 इसमें ऐड कर दीजिए। 9 का रूट कितना आएगा? 3। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन और भी है इसी में, देखिए 9 का रूट कितना आएगा? 3 इसमें ऐड कर लीजिए। 64 आया, 64 का रूट कितना? 8 इसमें ऐड कर लीजिए। यहाँ प्लस है तो ऐड कर लीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस कर लीजिएगा। कितना आएगा? 25 का रूट कितना? 5 इसमें यहाँ माइनस है इसलिए माइनस कर लीजिएगा। 100 का रूट कितना? 10, तो इसमें से 10 माइनस कर लीजिए। 1 का रूट कितना आएगा? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए इसी के एक और दो क्वेश्चन और भी है, देखते हैं। 169 कितना? 13 ऐड कर लीजिए इसमें। 25 कितना? 5 माइनस कर लीजिए। 64 कितना आएगा? 8 ऐड कर लीजिए। 144 आंसर कितना आएगा? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का लेते हैं। इसका कितना? 6 ऐड कर लीजिए। कितना? 4। 16 आ गया, 16 का कितना? 4 ऐड कर लीजिए। 25 का रूट कितना? 5 ऐड कर लीजिए। 81 रूट कितना आएगा? 81 का 9। तो फाइनल आंसर 9 आएगा। तो एक ना एक क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता है जिसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा देखिए यहां लिखा हुआ है, जैसे हमारा 1+1/2 +1+1/3 +1+1/4 +1+ डॉट डॉट ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, 1+1/120 ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं तो 2 आएगा, 2 1 3 3/2 इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4/3 इसको करेंगे तो 5/4 इस तरह से मल्टीपल होते चला जाएगा। 121/ कितना? 120 आएगा। अब ये नंबर कैंसिल कैसे हो रहा है, देखिए ऐसे कट रहा है, ऊपर से कटना शुरू हो गया। जैसे ऊपर से कटना शुरू हो जाए तो इसके नीचे वाला बच जाएगा, नीचे वाला 2 बचेगा, ऐसे ऊपर वाला कटना शुरू हो जाएगा, ऐसे कटते चला जाएगा, तो इसके मतलब लास्ट वाला का ऊपर वाला बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 121/12 ठीक है। यदि इसी में कई बार क्या होता है ऐसे कैंसिल होगा तो इसके ऊपर वाला इसके लास्ट वाला लिखेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, जैसे 1- जैसे हमारा 2-1/3 2-3/5 और 2-5/7 इस तरह से जा रहा है डॉट डॉट 2-997/3 ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, 6-1 5/3 10 7/5 14 9/7 इस तरह से आपको मल्टीपल करते चले जाएंगे तो ये आएगा 101/ कितना है? 999 ठीक है। देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही कैंसिल होते जा रहा है, तो इसके नीचे वाला 3 आएगा, इसके लास्ट वाला कितना आएगा? 101। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। तो ये हमारा होगा सेकंड टाइप। इसी में एक दो क्वेश्चन और भी आपको ट्राई करना है तो एक दो क्वेश्चन और भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है 1+1/2 +1+1/3 +1+1/4 इस तरह से डॉट डॉट जा रहा है +1+1/150 इसको करेंगे तो 3/2 4/3 5/4 इस तरह से जाएगा कितना? 151/ कितना? 150 कैंसिल कर लीजिए, ऐसे कैंसिल हो रहा है तो कितना आएगा? 151/2 आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप।
अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, बहुत अच्छे आपको कंटेंट लेकर आया गया है जो, और ये नहीं सिर्फ सोचा करने के लिए दिखाया जा रहा है, बस ये आपको आसानी से समझ में आ गया। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमारा फोकस रहेगा आपको एग्जाम क्रैक कराना, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए वही क्वेश्चन लेकर हम आते हैं कंटेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्लीज, एक छोटा सा नेक्स्ट टाइप देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मजा आएगा, बहुत अच्छे टाइप है। एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए हमारा रूट सिक्स है, ध्यान से समझिएगा, जैसे रूट सिक्स ऐसे चल रहा है, रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स ऐसे जा रहा है, रूट सिक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यदि हम इसको कॉन्सेप्ट से करें तो क्या मानेंगे, एक्स मान लीजिएगा, जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो मैथ्स का एक रूल है, चाहे आप किसी भी स्टेट या कहीं से पढ़ के आए हो, मैथ्स में क्या करते हैं, या तो एक्स या वाई मान लेते हैं, तो हम लोग ने क्या माना, एक्स मान लिया, रूट हटाने के लिए स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, सिक्स प्लस, एक रूट हटने से कोई फर्क तो पड़ेगा ना, वो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में एक्स माना है, सबको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या गया, जीरो। स्प्लिटिंग मिडिल रूल बहुत सारे बच्चे को आते होंगे, नहीं आता है तो आप एक बार सीख लीजिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं है तो वहां वन मान लीजिए, यहां भी कुछ नहीं तो वन मान लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीपल कीजिए, कितना आ रहा है सिक्स, सिक्स का फैक्टर तीन और दो ना, इन दोनों को प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म लाना है, तो माइनस थ्री प्लस टू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन, तो लिख लीजिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस थ्री, टू कॉमन आएगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री आएगा और यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस टू आएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगा और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगा, तो रूट का आंसर निगेटिव नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, थ्री आएगा। लेकिन एग्जाम में हम इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए, सबसे पहले देखिए इसका कंटिन्यू फैक्टर बनना चाहिए, तो दो और तीन बन रहा है, कंटिन्यू आना चाहिए, जैसे दो तीन, तीन चार, चार पांच, तभी ये वाला शॉर्ट ट्रिक्स लगेगा, तो दो और तीन बना, प्लस के साइन है तो बड़े वाला लिखिएगा, यही क्वेश्चन माइनस में हो, जैसे देखिए सिक्स माइनस रूट सिक्स, माइनस रूट सिक्स ऐसे जा रहा है, माइनस रूट सिक्स ऐसे, क्या करेंगे, दो और तीन ना माइनस है तो छोटे वाले लेना है। इसी में एक और क्वेश्चन लीजिए, जैसे 42 प्लस 42 रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 ऐसे चल रहे हैं, क्या करेंगे, सिक्स और सेवन ना प्लस है तो क्या आएगा, सात आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा रूट 20 है, रूट 20 प्लस रूट 20 ऐसे जा रहे हैं, क्या करेंगे, चार और पांच ना प्लस है तो बड़े वाला आंसर होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कई बच्चे को माइंड में आता है सर 10 आ जाए तो क्या करेंगे, 5 आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूले है जिसको आप लर्न कर लीजिएगा, जो आपको वो शॉर्ट फॉर्मूले सारे क्वेश्चन में लगेगा, जैसे मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ, जैसे रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा और जो फॉर्मूले बता रहे हैं वो सारे नंबर के लिए यूज होगा, ठीक है। जैसे हमारा रूट फोर एक्स प्लस वन प्लस माइनस वन डिवाइडेड टू, ये सब में लगेगा, चाहे कंटिन्यू फैक्टर है तब भी लगेगा, नॉन कंटिन्यू फैक्टर नहीं है वहां भी लगेंगे, बस x के जगह ये नंबर डाल दीजिए, कितना आएगा 24 और एक 25, 25 का 5, प्लस के साइन इसलिए यहाँ प्लस डालिए, 1 डिवाइडेड 2, तो 6 बाई 2 कितना आएगा 3, बाकी उस मेथड से भी कर सकते हैं, 2 3 ना प्लस है तो क्या आएगा 3, तो आई होप आपको ये वाला टाइप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक अच्छी क्वेश्चन लेते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो रही है और शायद आप फर्स्ट टाइम देखे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारा देखिए हमारा क्वेश्चन है, जैसे देखिए 2 है रूट 2 है, इसमें ना मल्टीपल है क्यू रूट 4 है, आगे मल्टीपल है रूट 2 है इंटू आगे क्या है क्यू रूट 4, इस तरह से मल्टीपल आगे जा रहा है डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक क्वेश्चन है, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ऐसे क्वेश्चन को ना एक जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने कहा इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं, तो सबसे पहले एक्स मान लीजिए, रूट है स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा इंटू क्यू रूट 4 और इंटू कितना आएगा हमारा एक्स आ जाएगा इसमें, क्योंकि आगे तक क्वेश्चन सेम है, फिर से अब इस पर से क्यू रूट हटाना है तो यहाँ क्या आएगा हमारा 6 आएगा, तो 2 के पावर क्यू इंटू ये क्यू रूट हट जाएगा कितना 4x, तो एक एक्स इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना x के पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो x के पावर 5 इज इक्वल टू कितना 2 के पावर 5 ना 5 से 5 कट गया तो x कितना आएगा 2, तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत सारे कई टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जनरली आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो मुश्किल में फंस जाएंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज,
काफी आसान टाइप है और बड़ी अच्छी टाइप है क्वेश्चन को जिसको सॉल्व करना है। जैसे देखिए हमारा 0.65 है, स्क्वायर है प्लस 0.773 का स्क्वायर है प्लस 0.99 का स्क्वायर है। नीचे क्या आ रहा है हमारा, देखिए 0.065 का स्क्वायर है, 0.073 का स्क्वायर है प्लस 0.099 का स्क्वायर है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। एक तो तरीका यह है इस पर जो विदाउट रूट स्क्वायर रूट या क्यू रूट आ सकता है, कई बार स्क्वायर रूट और क्यू रूट भी बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए एक चीज आप नोट करेंगे, तो जो नंबर है बिल्कुल सेम है, जो नंबर है बिल्कुल सेम है, जो नंबर जिसमें एक्स्ट्रा कितना डेसिमल है, एक डेसिमल है, तो एक्स्ट्रा डेसिमल के लिए 0.1 ले लीजिए। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, इसका मतलब क्या होगा 1/0.1 का स्क्वायर आएगा। तो 1/ कितना, 0.1 × 0.1 मतलब क्या होगा 100 आएगा। ठीक है, यदि रूट नहीं डाला है, लेकिन यही इसी क्वेश्चन पर क्या होता है हमारा, एक क्वेश्चन और ले लीजिए फिर आपको रूट वाला समझाता हूँ। जैसे हमारा पॉइंट है 67 का स्क्वायर प्लस हमारा है 0.97 का स्क्वायर है हमारा प्लस 0.37 का स्क्वायर है। नीचे आ रहा है हमारा 0.0067 का स्क्वायर है प्लस 0.0097 का स्क्वायर है और प्लस 0.0037 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या है 00 इसका स्क्वायर है। अब देखिए इसमें कितना, दो डेसिमल का डिफरेंस है ना, तो क्या करें ऊपर 1 लिखेगा क्योंकि नंबर तो कैंसिल हो जाएगा बार बार, और इसमें कितना एक्स्ट्रा डेसिमल है, दो ना, तो 0.01 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा, क्यू होगा तो क्यू कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.101 इंटू कितना आएगा 0.01, चार डेसिमल है इसलिए 4 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है यही क्वेश्चन इस पर रूट डाला होता है, क्या होता है इस पर रूट डाल दिया, तो ये सारे चीज सेम आएगा, ये सारे चीज यहां तक सेम आएगा, बस क्या आएगा हमारा यहाँ रूट डाल जाएगा, रूट डालेगा तो 1/0.1 मतलब क्या होगा 10। यहां भी सेम रहेगा, रूट डल जाएगा, रूट डल जाएगा तो यहां से क्या आएगा हमारा 1/0.01 मतलब क्या आएगा 100 आएगा। तो रूट वाले भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन है मैं आपको बार बार क्लियर कराता हूँ, तो ये पॉइंट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बाकी हम डेसिमल वाला टॉपिक लेकर आएंगे मैथ्स में, तो ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी, तब देखते हैं। अब एक न्यू टाइप लेते हैं, बहुत अच्छी टाइप है और बार बार एग्जाम में आते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए 1+1/1+1/2+1/3 ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं, या इसको हिंदी में लंगड़ी भिन्न बोला जाता है, या ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को लेटर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नीचे से सॉल्व कीजिए। तो यदि हम नीचे से सॉल्व करें तो कैसे आएगा, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3 आएगा, क्रॉस कर लीजिए 6 और 1 7, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 6 × 1 7 7 / कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगले स्टेप में ना उलट दीजिएगा क्वेश्चन, तो क्या आएगा हमारा 1+1/1+1/7, लेकिन ये 3 ऊपर चले, ये 3 ऊपर चले जाएगा, सेम वही से काम कर लीजिए, इसको एलसीएम लेकर ऐड कर लीजिए, तो 7 आएगा एलसीएम और 7 × 3 = 10, तो क्या लिखेगा देखिए 1+1/10 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो अगले बार क्या आएगा 10+7/10 कितना होगा 17 है। तो लंगड़ी फिन का कॉन्सेप्ट यही था, यदि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखा और आपको वीडियो में जो कॉन्सेप्ट थी अच्छे से क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो रॉय एजुकेशन चैनल को देखते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।